જય મલ ભાઈ, તમે મગજ જરા શાંત રાખોને પ્લીઝ. અરે મગજ ક્યાંથી શાંત રાખું, આ બંને જણા મારી જોડે અકડીને વાત કરતા હતા. અરે આજે તો બંનેને હું ભડાકે દઈ જઈશ. એ જય મલ, ક્યાં હુઆ? અરે એ સોસાયટી કે ધોલો મુજે ઉચ્ચારી દી કરે છે. લગાડે કાન કે નીચે ઢોઢો. હા આને દે દોનો કો નીચે. હા બેના, ક્યાં હુઆ? અરે સુંદર, યે જયમલ ભાઈ કી ભીડે ભાઈ ઓર પોપટ ભાઈ કી સત તું તું મેં હો ગઈ. આપ લોગ જલ્દી નીચે આવો ના. બેના મેં અભી આતા હું. જયમલ ભાઈ, દેખિયો ગુસ્સા કરના અચ્છી બાત નહીં હે. અરે આજ દોનો કો દિન મેં તારે નહીં દિખાયે તો મેરા નામ જયમલ નહીં. મારા મંત્ર ચપલું વગેરે કા અકલે કે આલા. હા જયમલ ભાઈ ભી ગરમ તપેલી જશે. અરે આતા હું બેના, મેં અભી આતા હું. જયમલ ભાઈ બોલે ભડાકે ને ભડાકે જો. અરે એ ક્યાં બોલે, ક્યાં બોલે? બદતમીઝ. એ બદતમીઝ નહીં બોલે, સમજ્યા? ગયા ઇજ્જત સે બાત કરના. હા અરે ઇજ્જત સે બાત કરના, પહેલે તુમ શીખો. દેખિયો ભીડે ભાઈ, આપ જરા શાંતિ સે બાત કીજિયો ના. મુજે શાંતિ? अरे दया भाभी, क्या शांति से बात कीजिए? ऐसे मुंहफट आदमी को सोसाइटी में घुसने किसने दिया? सूखे हुए नारियल के पेड़? नारियल के पेड़? और ये बस किसका है? ए भाई, तू बाहर निकल, चल सोसाइटी के बाहर निकल, निकल करो. अरे अरे मुंहफट भाई, भीड़ भाई, बात ये है कि ये हमारे मेहमान है. दया भाभी, मेहमान ऐसे होते हैं? क्या हुआ क्या भाई? देखिए ना चाचा जी, आपके मेहमान किस तरह पेश आ रहे हैं. अभी यहाँ पे पानी की कटौती है तो मैंने उनको बस धोने के लिए मना कर दिया, तो ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ. बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? शुरुआत तो तूने की चकले. देखिए ना चाचा जी, बार बार इनको टकले टकले बोल रहे हैं और ऊपर से हमारे पानी का कितना अपव्यय कर रहे हैं. ये जमीन के लिए तेरा मेरा होता है, हवा और पानी के लिए तेरा मेरा नहीं होता है, समझा? काय बोलतोय? अपनी बकवास बंद कर ए मुच्छड़. तूने मुझे मुच्छड़ बोला? मैं तुझे बोल रहा हूँ अच्छा नहीं होगा, मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा. मेरा छाता लेके आ. तू जानता नहीं मेरा छाता मुझे कितना प्यारा है. मेरा तीसरा हाथ है, मेरे शरीर का अविभाज्य अंग है. देखो जेठालाल, देखो तुम्हारे मेहमान की हरकत को देखो. इसने मेरे शरीर के अविभाज्य अंग को मुझसे अलग कर दिया, मेरे छाते को फेंक दिया इसने. देखो एक नंबर का अनपढ़ जाहिल गवार है ये. तूने मुझे गवार बोला? गवार सिंह. Thank you.
ऑनरेबल सेक्रेटरी को लात मारी। हाँ। सही बात है। तो पीड़ा पीछे अरे ए सुंदर ये क्या हो रहा है? ए माय डियर जीजा जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसमें पोपट लाल का भी कसूर है। पोपट लाल ने इनको अनपढ़ जाहिल गवार क्यों बोला? हाँ तो ये है इसलिए कहा है। अब तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पोपटलाल, देखो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, छोड़ दो प्लीज। नहीं जेठला, अभी माफी कुछ नहीं, अब तो जेल होगी इसे, जेल। अरे नेता साहब इधर क्या खड़े, कुछ करो। करना क्या है, जो भी करेगी वो पुलिस करेगी। बाहर का आदमी आकर ऐसे अंदर के सोसाइटी मेंबर को मारेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आत्माराम पुलिस को फोन करो। बिल्कुल बिल्कुल। यार भाई मैं इधर आग में पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप आग में पेट्रोल कहाँ डाल रहे हैं? तो अरे मेहता साहब क्या आप ऐसे देख रहे, सब बातचीत देख रहे, कुछ करो भाई। अरे पोपटलाल तुम समझने की कोशिश करो यार, तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम कलम उठाना है, हाथ उठाना नहीं है, पढ़ा लिखे समझदार आदमी हो तुम यार। अरे मेहता साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो क्या तमाचा खाकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ? ये गुंडा समझता क्या अपने आपको? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, अपने देश में अभी भी कायदे कानून है। जिसने पत्रकार पोपटलाल को चाटा मारा है, आज तो मैं दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगा। अरे मैं तेरे को हिला दूंगा। हाँ चल। इसकी गूंज पुलिस स्टेशन में भी नहीं संसद में गूंजेगी। अरे पोपटलाल इसकी गूंज संसद नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजा देंगे। लेकिन अभी शांत हो जाओ प्लीज, शांत रहो यार। शांत हो जा पोपटलाल, शांत हो जा। बस सवेरे सवेरे की अल्लाह मचाया जी। अरे सॉरी, ये जेठालाल के मेहमान ने मेरे छाते को फेंक दिया और सबके सामने मुझे चाटा मारा। उस पोपट को इसने चाटा मारा। रोशन अभी सब चाहिए, बात और बिगड़ जाएगी। रोशन जरा शांत हो जा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो हमारे मेहमान है। हाँ बेटा समझा, उसको समझा। हमारी सोसाइटी में किसी के भी घर कोई भी आए वो हमारा अपना मेहमान होता है। और यार अतिथि देवो भव, हो जाती है गलती जीवन में कभी कभी। और कुछ बातचीत हो गई, हम आपस में झगड़ा नहीं करते हैं क्या? आपस में झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को माफ करते हैं या नहीं करते हैं? तुम भी समझो पोपट, तुम भी समझो, हमारी परंपरा है भाई, अतिथि हमारे लिए बहुत सम्माननीय होता है। अरे तू तड़ाक कर दी तुमने, उन्हें गुस्सा आ गया, उनका रिएक्शन ऐसा हो गया, तो आप माफ करो भाई, किसी चीज को बढ़ाने का कोई फायदा है क्या? वो ऐसा आदमी नहीं है, हो गया तो हो गया। हाँ पोपट भाई, जयमल भाई दिल के बहुत अच्छे इंसान है। अरे आपने तो एक ही चाटा खाया है, मैं तो बचपन से इनके चाटे खाता आया हूँ।
क्या है कि अगर कोई उनके साथ तू तारी से बात कर देता है ना तो उनका खून एकदम उकल जाता है। बाकी दिल के बहुत अच्छे इंसान है। चलो इनकी ओर से मैं सॉरी बोल देता हूँ। बस पोपट भाई मैं भी माफी मांगता हूँ। पोपट लाल माफ कर दो उसको प्लीज। देखिए पोपट भाई जाने दीजिए ना, ये लोग शुभ काम के लिए जा रहे हैं, शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। बस मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए ना। हाँ पोपट भाऊ जी। नहीं नहीं दया भाभी प्लीज आप माफी मत मांगिए। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगा बस। थैंक यू। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान हो पोपट भाई आप। पोपट भाई आप मेरे को थप्पड़ मार के बदला ले लो बस। नहीं भाई नहीं, मुझे अभी कोई बदला नहीं लेना। नहीं नहीं आप मेरे को थप्पड़ मारो, गलती मेरी है पोपट भाई। गलती मेरी भी है, मैंने भी प्यार से समझाने के बजाय तुम्हें डांटना शुरू कर दिया। मुझे भाई कोई तमाचा नहीं मारना अभी। आप नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। अरे भाई जयमल भाई को तमाचा नहीं मार सकते तो सुंदर को मार ले भाई, बात खत्म करना चल ले। बात खत्म हो गई है तो फिर बड़ा क्यों रहे हो? अरे भाई ये मामला तो सुलझ गया लेकिन ये पानी का अपव्यय है उसका क्या? भाई उसके लिए मैं 500 रुपया फाइन भर दूंगा बस। मैंने पहले से ही 500 रुपए दे दिया। हाँ तो फिर भाई क्या है अभी तेरे को भीड़ है? सुनिए टप्पू के पापा सबके लिए नाश्ता लाया है तो घर पे जाके नाश्ता करते हैं। सही बात है चलिए चलिए। अरे हंस अरे नहीं नहीं बेना मैं बहुत देरी हो जाएगी, एक काम करो नाश्ता में साथ दे दो हम रास्ते में कर लेंगे। ये तो गलत बात है। हा? हंस ए बका जा घर पे जाओ और सब सामान लेके आ। ए भाई सब सामान मतलब? सब मतलब साईं भक्त मंडल का पूरा सामान। तो ऐसा बोल भाई होता नहीं तो मेरे भी सामान लेके आएगा। टप्पू तू मामा के घर जरूर आना, मैंने इसको लेके आना। ठीक है मामा। सुंदर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से साईं बाबा का दर्शन करना। हाँ बेना। साईं बाबा को हमारा प्रणाम करना। और प्रसाद लाना मत भूलिएगा, वहाँ देसी घी के लड्डू मिलते हैं प्रसाद के। हाँ हाँ आदि भाई आते वक्त मैं आपको प्रसाद लेके ही अहमदाबाद जाऊंगा। मिलेगा दीपराज मिलेगा प्रसाद भी मिलेगा। अरे भाई प्रसाद देने के लिए यहाँ तक धक्का खाने की जरूरत नहीं है, कुरियर में भेज देना मिल जाएगा हमको प्रसाद। हाँ हाँ भेज दूंगा। पोपट भाई भूल चूक माफ कर दे रहा हो? अरे भाई मैं सब भूल चुका हूँ भाई, तुम भी मुझे माफ कर देना। ए बेना जरूर आना, अर्जुना जी को लेके आना। हाँ हाँ बेटा। ए बोलो शिरडी वाले साईनाथ भगवान की। वो तो जाएगा ही ना बबीता जी। अभी किसी के घर में एक साथ इतने सारे मेहमान आ जाएंगे तो टंकी तो खाली होगी। मतलब किसी के घर पे क्या बोल रहा है? और मेरी बात कर रहा है बबीता जी, मेरे घर पे अभी मेहमान आए थे ना उसकी बात कर रहा है। अबे मेहमान आए थे ऐसा थोड़ी उनको बोल सकते है भाई इधर नाना धोना मत है, होटल में जाकर नहा दो। हाँ सही बात है। हाँ ऐसा थोड़ी बोल सकते। अरे भाई आज मेरे घर पे मेहमान है, कल को हो सकता है किसी और के घर पे भी मेहमान आ सकते हैं।
तो ऐसा थोड़ी मेहमान को भगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना बबीता जी? इट्स ओके जेठा जी। तो? लेकिन कुछ लोग है कि समझते ही नहीं है। हाँ, पर पानी के बिना आप क्या करेंगे? अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है। वो चिंता क्यों करते हो? ओ पिड़ू, जाके टंकी फटाफट भर देना यार। अरे कहाँ से भरू सोड़ी, अभी तो म्युनिसिपैलिटी का पानी भी चला गया है, ऊपर से 50% कटौती है। बगैर पानी के घर के काम कैसे होंगे? जेठालाल देखो भाई, तुम्हारी वजह से कितना प्रॉब्लम हो गया, अब बिना पानी के अभी क्या करेंगे हम लोग? वो बताया ए, भिड़े भाई ने बताया भाई, और कितनी बार बोलेगा तो? क्या करो तो? मेहमान को धक्का मार कर निकल जाकर सबार। हाँ सही बात है, मेहमान को कैसे मना कर सकते हैं? तो भाई मुझे तो लगता है कि हमें मेहमानों के लिए एक रूल बना देना चाहिए। मसलन? मसलन ये है कि भाई ये मेहमानों का आना ही सोसाइटी में कैंसिल कर दो। क्या घर पे कोई मेहमान आता नहीं, इसलिए इसको ऐसा फितूर सुनता है। बबनलाल कैसी बातें कर रहे हैं? सोसाइटी से भी कैंसिल कर दो। एक नंबर का गुड बाय। भागी हुए लोग यहाँ पे, तो लोग आएंगे ना, मेहमान आएंगे। नहीं मैं समझ रहा हूँ भाई, मेहमानों का आना कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई जो मेहमान आते हैं उनके लिए कोई चार्ज फिक्स कर दो, कि भाई जिसके भी घर मेहमान आ रहे हैं उनके लिए प्रति मेहमान 1000 रुपया चार्ज। हाय जॉनी। हाँ तो जड़ालाल, तुम्हारे घर पे 10-12 मेहमान आए थे ना, तो उस हिसाब से 10-12 हजार रुपए तुम सोसाइटी में जमा कर दो। हाँ भाई दे दो भाई। अरे यार क्या तुम यार पोपट की मूर्खता की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हो? और पोपट तुमने क्या कसम खा रखी है कि जिंदगी में कभी समझदारी की बात करोगे नहीं? मतलब अब हम मेहमान घर में आए तो उनसे पैसा लेना शुरू कर दे, उन्हें फोन करें भाई गोकुल धाम में किसी के घर मेहमान आ रहे हैं तो मत आओ, हमारे यहाँ चार्ज लगता है। पोपट बिल्कुल गलत है आइडिया, बिल्कुल खराब आइडिया है। अरे हमारे भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है हमें, अतिथि देवो भव। तो क्या भगवान से पैसा लोगे तुम? हाँ, भगवान ही तो हमें पैसा देता है। मतलब लक्ष्मी जी? हाँ तो बराबर है। हाँ तो बराबर है, अतिथि देवो दो दो। ये भाई ये डिब्बे क्या दो दो, ऐसे पैसे लेने से क्या पानी ज्यादा आने वाला है? जब देखो तब फालतू बात करते रहता है। अभी ये सब बातें बंद करो, अभी पानी चला गया है तो पानी के बगैर हम लोग क्या करेंगे वो पहले सोचो। हाँ सोचिए जरा सोचिए। हाँ चाचा जी, पानी के बिना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई नहाया धोया भी नहीं है, सुबह का वक्त है। ए भिड़े एक काम करो ना, एक पानी का टैंकर मंगा लो यार। प्लीज। बराबर है, पानी का टैंकर मंगवा ले भाई। एक मिनट, क्या है भाई आप लोग ये टैंकर मंगवाने की बात कर रहे हैं तो इसका खर्चा कौन देगा? अरे उसकी चिंता मत करो पोपटलाल, पानी का दुरुपयोग करने पर जो दंड इकट्ठा हुआ है ना दया भाभी और सोड़ी से, वही पैसा हम लोग पानी के टैंकर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओ अच्छा ऐसा है, तो मैं मंगाओ, जल्दी मंगाओ भाई भिड़े। हाँ मैं फोन करता हूँ उसको। हाँ भिड़ू जल्दी फोन लगाना यार टैंकर वाले को। अरे भाई उसका नंबर मेरे मोबाइल में नहीं है, घर जाना पड़ेगा, डायरी में देखना पड़ेगा और उसके बाद कॉल करूंगा मैं उसको। अरे चलो भाई चलो, टैंकर आ जाएगा। चलो भाई चलो। चल रहे नुस्ता कौन है? अब सुबह सुबह कहाँ गए थे? अरे पानी की प्रॉब्लम हो गई है, पूरी टंकी खाली हो गई है, तू सो जा वापस, उठ के वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, जा। सोसाइटी में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ना तो जेठल की वजह से होता है। अब वो सब छोड़िए ना, अब टैंकर वाले को फोन कीजिए ना जल्दी से। मैं क्या कर रहा हूँ माधी, वही तो कर रहा हूँ ना। हाँ लिखा था याद नहीं यार, हाँ W वाटर सप्लायर्स, हाँ मिल गया, ओशो वाटर सप्लायर्स 9833221334। हेलो ओशो वाटर सप्लायर्स। हाँ जी। हाँ मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से, वो जरा पानी का टैंकर चाहिए था। नहाने का पानी का टैंकर का है 2000 रुपया, और पीने का पानी का टैंकर का है 4000 रुपया। नहीं नहीं नहाने का पानी का ही चाहिए, लेकिन 2000 आप ज्यादा बोल रहे हैं। अरे दूसरे टैंकर वाले तो कम में दे रहे भाई। हाँ तो उससे ले लो।
हेलो हेलो काय झालं फोन रख दिया मंगा लेना था ना आधी अपने पास दूसरा नंबर है ना कम में मिल जाएगा टैंकर ये क्या है ना रमेश वाटर सप्लायर मिल जाएगा हेलो रमेश वाटर सप्लायर हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से वो नहाने के पानी का टैंकर चाहिए था क्या रेट है 2000 रुपया बगीचा हाँ मैं बोलता हूँ आपको फोन करके वापस हाँ थैंक यू ये तो बहुत ज्यादा है तो पहले वाले को ही बुला लीजिए ना है माधवी अपने पास और एक नंबर है ट्राई करता हूँ मैं रुको रुको कठिन है शांति 2 3 6 8 2 1 हाँ शांति वाटर सप्लाई मैं आत्मनाथ तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से नहाने के पानी का टैंकर चाहिए क्या रेट है आपके पास 1800 रुपया हाँ तो भेज दीजिए कौन सी तारीख मतलब आज चाहिए भाई 4 दिन बाद मिलेगा नहीं नहीं ठीक है ओके बोला था ना वो पहले वाले को ही फोन कीजिए ना आप हाँ अभी उसी को करना पड़ेगा मक्का है हाँ हाँ कल शाम तक टैंकर आ जाएगा हेलो हाँ मैं अभी वो फोन किया था ना गोकुलधाम सोसाइटी से आत्माराम हाँ याद है क्यों हर जगह से भाव का पता कर लिया ना बोलो टैंकर भेज दो हाँ भेज दो भाई हाँ बोलो एड्रेस बोलो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली फिल्म सिटी रोड गोरेगांव ईस्ट टैंकर आज शाम को 4 बजे तक आ जाएगा 4 बजे तक अरे लेकिन अभी चाहिए हमको बहुत लंबी बुकिंग है इतने जल्दी नहीं आ सकता टैंकर अरे लेकिन एक मिनट माधवी बोल रहा है कि शाम को 4 बजे आएगा टैंकर साले हो बड़ा हाँ ठीक है भाई भेज दो लेकिन 4 बजे भेज देना लेट मत करना उससे ओके ओके मैं पूरा कागज बचाने के लिए छोटी छोटी चिट्ठी पे नंबर लिखता हूँ और कभी कभी तो छोटी छोटी चिट्ठी बचाने के लिए नंबर याद रख लेता हूँ और इधर सुंदर के दोस्त ने तो डायरेक्ट 76 रुपए नंबर लिख दिया अभी बॉल पेन से गुटके का पैकेट पलंग पे बोलो टप्पू के पापा ये क्या अब गुटखा खा रहे हैं अरे गुटखा नहीं एक दिन जहर खाने की नौबत आ जाएगी ये मेरा नहीं है तेरे वीरा सुंदर का दोस्त का है इधर पलंग ओहो एक नहीं ये देख दो 3 4 ये देख 3 3 4 4 गुटखा का पैकेट पलंग पे से मिले किसके पता है तुम्हारे वीरा सुंदर के दोस्तों का है ये हमारा पलंग वो लोगों ने कचरा की पेटी बना के रखा है अरे मेरी माँ कहती है कि नसीब वाले होते हैं ना उनके घर पर ही मेहमान आते हैं और बाबू मुसाए बड़े बड़े घरों में मेहमानों की वजह से छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं रे या बाबू मौसी सीधी खड़े रहे ये तो अच्छा हुआ पोपटलाल ने पुलिस केस नहीं किया वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता समझे जेठिया हाँ बापूजी पकड़े पकड़ ए जेठिया हाँ आया आया बापूजी हाँ बोलिए अरे भाई जरा देख ये पानी का टैंकर आया कि नहीं है अरे जेठालाल मेहता साहब भिड़े ओ सॉरी हाथी भाई क्या हुआ भिड़े अय्यर पोपटलाल क्या हुआ भाई अरे आत्माराम क्यों चिल्ला रहे हो अरे हाँ भिड़े क्या हुआ भाई क्यों बोला अरे बताने वाली बात ये है कि जो टैंकर आने वाला है वो 4 बजे आने वाला है क्या 4 बजे अरे भाई 4 बजे तक होल्ड करना बहुत मुश्किल है अरे आत्माराम जब हमको 4 बजे आएगा तब तक कैसे चलेगा अरे भाई 4 बजे तक अभी करे क्या टैंकर का इंतजार करेंगे और क्या कर सकते भाई क्या इंतजार करेगा बिना पानी कैसे चलेगा भिड़े मैंने 3-4 जगह फोन लगाया था लेकिन अभी फुल सीजन चालू है पानी की कटौती चालू है इसलिए सारे टैंकर बिजी है मुश्किल से ये एक टैंकर मिला है जो 4 बजे आने वाला है अभी इसको बुलाऊं के कैंसिल कर दूं नहीं 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 कैंसिल क्या कैंसिल भाई कैंसिल नहीं करना है भाई पानी तो चाहिए ना भाई 4 बजे आए तो 4 बजे बुलाओ उसको अभी म्युनिसिपैलिटी का पानी तो कल सुबह आएगा ना तब तो क्या करेंगे हम लोग
बुलाओ बुलाओ भाई, कैंसिल क्या करना का, बुलाओ उसको। अरे भाई बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आ फिर क्या छोटी, तूने एक नल खुला छोड़ दिया, इसमें सबको परेशानी हो गई। देख ओ जेठा ब्रा, मेरी वजह से तो कल रात को पानी की टंकी खाली हुई थी। आपके आज मेहमान आए, उनकी वजह से आज पानी की टंकी खाली हुई है यार। वाह वाह वाह, उल्टा जेठा सीधे सोडी को डांटे। चार बजे आएगा ना टैंकर? ठीक है ठीक है, चलो भाई चलो 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 चलो। चार बजे तक और कोई चारा भी नहीं है। हाँ भाई हाँ, चलो चलो। ओके ओके जी ओके। चार बजे टैंकर आएगा तो कभी नहाऊंगा, कभी तैयार होऊंगा, कभी दुकान जाऊंगा। एक काम करता हूँ, नटू काका को बोल देता हूँ, भाई आज दुकान आना मुश्किल लग रहा है। हेलो नटू काका। सेठ जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं आप ही को फोन करने वाला था। क्यों? आ ये बताने के लिए कि आज मैं दुकान नहीं आ सकता। अरे क्यों? हमारे पूरे भादर नगर में आज पानी नहीं आया। क्या आपके उधर भी पानी नहीं आया? नहीं, एक मिनट सेठ जी, क्या आपके उधर भी पानी नहीं आया? नहीं। तो आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए सेठ जी। किधर? आज मैंने और मेरे अड़ोस पड़ोस के दोस्तों ने जुहू बीच जाके नहाने का प्रोग्राम बनाया है, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। भाई ज्वाइन बॉइन छोड़िए, आप जल्दी दुकान पहुँचे, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। नहीं सेठ जी, दुकान मेरे लिए मंदिर है और मंदिर में नहाए बिना नहीं जाते, तो आज मैं नहाए बिना दुकान कैसे जा सकता हूँ? और दूसरी बात, ये नटवरलाल प्रभा शंकर उड़ाई वाला जबान का पक्का आदमी है। मैंने अपने सारे दोस्तों से वादा किया है कि आज हम जुहू बीच पर नहाने जाएंगे, मतलब जाएंगे। ये नटू काका एक दिन की पगार छोड़ सकता है, मगर कभी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। नटू काका, अगर आपको छुट्टी चाहिए थी तो पहले मुझे बताना चाहिए था। सेठ जी, सवेरे 7 बजे मैंने आपको SMS किया था। है? आपको SMS करना आता? Of course, आपको नहीं आता? नटो काका, ना मैं किसी को SMS करता हूँ, ना मैं किसी का SMS पढ़ता हूँ। मतलब आपको SMS करना नहीं आता? अरे सेठ जी, SMS करना बहुत आसान है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बस बस भाई बस, समझ गया, आपकी आज की छुट्टी मंजूर है, बस। थैंक यू। ओ खुदाई रोशन, आए सु करे छे, साना मरे आटलो पानी वेस्ट करे छे। अरे रोशन, वो गोगी पुत्र बाथरूम में है ना, तो मैंने सोचा तब तक मैं गार्गल करके अपना मुंह फ्रेश कर लेता हूँ। पर रोशन, पीने का पानी है, इसको थोड़ा बचा के रखना है ना बाबा। अरे लेकिन अभी वो आ जाएगा ना 4 बजे, अपना टैंकर पे चिंता किस बात की है? अरे पर जब तक टैंकर नहीं आएगा तब तक तो हमको पानी बचाना है कि नहीं? वो ये बात भी सच है यार, पानी तो बचा के रखना चाहिए। अरे दया, जल्दी खाना ला। हाँ हाँ। ये क्या, आज ये खाने का है? नहीं नहीं, इसमें खाने का है। ये पतराड़ा में? हाँ, पानी नहीं आ रहा है तो बर्तन कैसे धोएंगे? अरे भाई, तो मार्केट में वो पेपर डिश मिलती है, वो मंगानी चाहिए थी ना। हाँ हाँ, मैं वही लेने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि हमारे शादी के वक्त के जो पतराड़े है वो काम आ सकते हैं, तो देखिए काम आ गए ना। लेकिन इसमें कैसे खा सकते हैं दया? ए भाई, बचपन में तू इसी में खाता था, भूल गया? दादाजी, मुझे इसमें खाने का बहुत मजा आएगा। ले सुन, सीख कुछ सीख। दया, कल से इसको इसी में खाना देना, तेरा बहुत पानी बचेगा। लीजिए। ये क्या? ये चिवड़ा, पूरी और गाठिया। वो मुझे भी दिख रहा है दया, लेकिन अभी खाने का टाइम है, नाश्ते का टाइम नहीं है, ये सब क्यों लेकर आई तू? पानी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? अरे तब मार्केट में मिनरल वाटर मिलता है, वो मंगाना चाहिए था, उसमें बनाना चाहिए था खाना। हाँ लेकिन वो टैंकर आने वाला था ना, तो मैंने पानी नहीं मंगवाया। अच्छा अच्छा, एक ग्लास पानी तो लेकर आ पीने का। हाँ पी लाई। ले जा बापू। पापा मुझे भी। हाँ। लीजिए। हाँ ला। मम्मी मुझे भी एक ग्लास देना। ले ले।
तू पी ले, मेरे लिए एक और ग्लास ले आना। एक ही ग्लास पानी था। पापा आप लीजिए। क्या तू पी ले, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं पापा आपने पहले मंगवाया था ना। बेटा तू पी ले, कोई बात नहीं, मैं बाद में पी लूंगा, बोलो ना। कुरियर यहाँ। बहन जी एक ग्लास पानी मिल सकता है? वो बात यह है कि ये नहीं जानते। थैंक यू बेटा। टप्पू बेटा, बेटा तूने अपना पानी का ग्लास अंकल को दे दिया। हाँ पापा, मैं तो पूरा दिन घर पे ही हूँ। वो अंकल को तो कड़ी धूप में घूमना पड़ता है, तो मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत उनको है, इसलिए मैंने पानी उनको दे दिया। वाह टपूड़ा वाह, वाह मेरा बेटा, शाबाश। हे भगवान, आज सुबह से सारे नित्य क्रम बाकी रह गए हैं, टैंकर अभी तक क्यों नहीं आया? भिड़े को फोन करता हूँ। हेलो भिड़े मास्टर। कौन बोल रहा है भाई? चार बज गए हैं, टैंकर क्यों नहीं आया? हाँ आती भाई। नहीं नहीं टैंकर आता ही होगा, आ जाएगा। हाँ टेंशन मत लो आप, ओके। कब आएगा? टैंकर वाला आया क्यों नहीं अभी तक? हेलो पोपटलाल, एक मिनट मेरी बात सुनो, टैंकर अभी चार बजे आने वाला है, वो आता ही होगा। और तुम भी अकेले आदमी हो भाई, तुमको कितना पानी चाहिए नहाने के लिए? ये भाई मैं अकेला हूँ के दुकेला, मेंटेनेंस तो सबके जितना ही भरता हूँ ना। मैं जब मेंटेनेंस भरने के लिए आता हूँ, तभी तूने कभी बोला है कि भाई पोपटलाल तुम अकेले हो तो मेंटेनेंस थोड़ा कम भरो? हाँ भाई तू फोन रख, टैंकर आ जाएगा, ओके। हाँ हाँ थोड़ी देर में आ जाना चाहिए, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। हाँ भाई समझ गया, दुनिया हिला दूंगा। अरे भिड़ो भाई, टैंकर आ गया। अरे वाह ये आला टैंक, टैंकर आ गया। टप्पू के पापा टैंकर आ गया, चलो देखते हैं। अरे क्या देखते हैं, टैंकर आया है। वो कोई लड़ाई की टैंक थोड़ी आई है जो देखने जा रही है। अरे हमारी सोसाइटी में पहली बार टैंकर आया है, चलिए ना। आपको तो कोई बात नहीं होता ही नहीं होता। अरे तो अरे ये अरे चलिए अभी टैंकर में क्या देखने। अरे देखा देखा वो रहा टैंकर, देखा देख लिया। हाँ फोटो खींचना टैंकर के साथ। क्या हुई टैंकर आ गया पानी का, वाह। अरे भाई चलो जल्दी कनेक्शन करो, मुझे को दूसरी जगह पे जाने। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आ गए भाई आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। ए भाई तुम्हारा टैंकर तो फुल है ना? अरे भाई ऊपर जाके देखो मंगते है तो। ए भाई देखो भाई इनका भरोसा नहीं, जाओ जाओ। हाँ अभी देखता हूँ, आराम से चढ़ना भाई। ये भाई तुम्हारा ये नल कितना लीकेज है भाई, इसको जरा ठीक करो ना। क्या साहब थोड़ा सा तो लीकेज है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे थेंबे थेंबे तड़े साचे। क्या साचे? हाँ भिड़े साहब, हाँ टैंकर फुल है, आजा भाई नीचे आजा। ये जो पानी वेस्ट हो रहा है ना, वो पैसा काट के देने वाला हूँ मैं। क्या साहब मजा कर रहे हो आप भी? मजा क्या, टैंकर चलता है ना, जल्दी होता है। अच्छा भाई फुल है ना? एकदम फुल है, टकाटक। चलो पैसा दे दो। हाँ पैसा, ये भाई 2000 रुपए। भाई साहब 500 रुपए और चाहिए। और 500 रुपए? ये भाई बात तो 2000 रुपए की हुई थी, 2000 रुपए दे दिए मैंने। अरे साहब तुम्हारा सोसाइटी कितना अंदर 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 है मालूम है? तो क्या हुआ, जितना भी अंदर हो तुमको आना तो पड़ता ही है ना। देखो भाई साहब 2500 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, फुल सीजन का टाइम चल रहा है, बाहर 3000 रुपए मिलता है। वो मंगते है तो ले लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ भाई। लूट मची है लूट, एक नंबर के लूटे रहे ये। मैं लूटे रहा? हाँ ठीक है ये पैसा ले लो। हाँ? मैं पानी के साथ। अरे भाई नहीं मैं समझाता हूँ। क्या? अरे भाई समझाओ, दूसरी जगह मुझे जाना है। हाँ 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 भिड़े साहब शांत रहिए ना, आप वहाँ जाइए प्लीज। क्या मैं क्यों शांत रहूँ, ये सरासर अन्याय है अब्दुल। बोलो ना शांत रहिए। अरे
और वो क्या है ना, लेकिन सोसाइटी में बाल बच्चे हैं, वो पानी के लिए बहुत परेशान है। प्लीज समझाओ ना भाई उनको। मैं समझाता हूँ बड़े भाई, सॉरी बड़े भाई, सॉरी बोलो ना, अगर वो चला जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अरे ये सब नाटक था। अरे लेकिन एक सेक्रेटरी को ऐसा बोलोगे तुम? सॉरी बोला ना, ये अब 500 रुपया दे दो ना उनको। ठीक है, ये लो भाई 2,500 रुपए, अब ले सकते हैं पानी। अरे पूरा टैंकर आपका है सर। मेहरबानी है आपकी। ये भाई उस पे हाथ रख, हाथ रख उस पे। भिड़े मास्टर। हाँ। अरे भाई भिड़े मास्टर। हाँ। ये पानी कब आएगा भाई? अरे आदि भाई टैंकर आ गया ना, अभी अभी फटाफट कनेक्शन करके टंकी पर चढ़ा देंगे, पानी आ जाएगा। पानी चेक तो कर लिया है ना? हाँ चेक किया, टैंकर फुल है। हाँ। अरे भाई क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्या है कि आजकल ज्यादातर बीमारियां पानी से ही फैलती हैं। अगर इस टैंकर का पानी अच्छा नहीं हुआ और हमने टंकी में चढ़ा दिया तो जब तक टंकी साफ नहीं करेंगे तब तक म्युनिसिपैलिटी का अच्छा पानी भी अशुद्ध रहेगा, वही पानी हम पिएंगे और बीमार हो जाएंगे। ये पीने का पानी ने सिर्फ नहाने धोने के लिए, पीने का पानी अपने पास है साहब, पर 4,000 रुपए लगेगा उसका। बोले भाई ये टैंकर खाली कहाँ करेंगे, वो बाल्टी भर भर के घर ले जाएंगे क्या? अप्रतिम आइडिया, क्या बात है अब्दुल, वेरी गुड आइडिया। ये भाई तू हाथ रख। ए गोकुलधाम वासियो, अरे गोकुलधाम वासियो सुनो सुनो, सब लोग जरा बाहर आ जाओ एक मिनट। सोडी जेठालाल मेहता साहब, क्या हुआ भिड़े, क्या हो गया, क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ, क्यों हो गया पिड़ू? हाँ देखो टैंकर आ गया है, लेकिन इस टैंकर का पानी हम लोग टंकी में नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्या चढ़ा नहीं पाएंगे? एक मिनट, क्या क्या बोल कर रहे हैं भाई तू? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। सुन भाई सुन, उसके पीछे एक कारण है, वो कारण ये है कि ये पानी मंगाया। लेकिन भिड़े भाई आपने पीने का पानी क्यों नहीं मंगवाया? हाँ, हाँ। अरे दया भाभी मुझे लगा कि सबके घर पे कम से कम पीने का पानी तो होगा, इसलिए मैंने नहाने धोने का पानी मंगाया। अरे पर भिड़े भाई पीने के पानी के बगैर पूरा दिन कैसे निकालेंगे? हाँ बता। एक काम कीजिए, आज का दिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, और वैसे भी कल सुबह पानी आने वाला है ही। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर से बाल्टियां लेके आए और पानी भर के लेके जाए। हाँ ठीक है ठीक है, अब हमारे पास और चारा क्या है यार भिड़े? चल अभी चलो, जाना तो पड़ेगा। चलो दादाजी ठीक है, चलो। अरे दया चल जल्दी, नीचे पे लंबी लाइन लग जाएगी। हाँ हाँ आई टप्पू के पापा। चल अरे 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 संभल के। आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो इसकी बहुत प्रैक्टिस है। वाह दया, तुझे इस तरह देखकर मुझे तो बचाव याद आ गया। हा? मैं जब छोटा था तो गांव में औरतें इसी तरह माथे पे घड़े रख के पानी भरने के लिए जाया करती थी। तो चलो किधर बचाओ। अरे नहीं नहीं, नीचे पानी भरना बहुत मजा आएगा। क्या औरत है तू दया, मुसीबत में भी तुझे मजा लेना है। तो जिंदगी ऐसे ही तो जीता है आनंद उल्लास के साथ, उसके मुझे झूल में रखा क्या है। चल चल अभी चल, सच्ची कहती हूँ। हाँ भाई चल संभाल संभाल के, सोनू धावलो सर संभाल चल चल। क्या कर रहे हो आप, थोड़ा संभाल के, मेरे मायके की बाल्टी है ये। यहाँ पे पति गिर गया उसका कुछ नहीं, मायके की बाल्टी की पड़ी है तुम्हें। ओ पिड़ू यार कमाल है, तेरी वजह से आज मेरी नाक कट गई। अरे माधवी के मायके की बाल्टी गिरी, इसमें तुम्हारी नाक कैसे कट गई? ओए रोशन के मायके वाले है ना, खास से मेरे पूजनीय ससुर जी, मैंने उनको वादा किया था कि कभी भी रोशन में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, आज तेरी वजह से उसको पानी भरना पड़ेगा। सोच भी। अरे तो भाई भाभी को तकलीफ क्यों दे रहा है, उनको बोलो घर पे आराम करे और तू पानी भरना। और ये भी बड़ा मस्त आइडिया, तभी तो तू शिक्षक है।
तू ऊपर जाके आराम कर, मैं पानी भर के लाता हूँ। चल नहीं अभी रोशन, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बाबा, चल 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 उमर। हाँ? पानी भरने के लिए बहुत भीड़ है, कुछ नाश्ता भी ले लो ना। अरे हंस, हम लोग पानी भरने जा रहे हैं पिकनिक के लिए नहीं, चलो। सही बात है। चल भाई, ये देख, मैंने बोला ना इधर भीड़ हो जाएगी, देख हो गई भीड़। चलो चलो भाई, भीड़ जल्दी करो भाई, और कितनी देर रुकना पड़ेगा भाई, यहाँ लेट हो रहा है। अरे क्या हुआ, ये क्या, ये टैंकर चालू किया नहीं, क्यों पानी क्यों नहीं भर रहे सब लोग? ये अब्दुल भाई बुला ना उसको यार। टैंकर वाले, ओ भाई साहब, दो मिनट आ रहा भाई, आ रहा है। कब से दो मिनट, दो मिनट क्या आया बबीता जी? अरे ये क्या यार, बहन आपको भेज दिया पानी भरने के लिए, हो नहीं आए? वो उनके एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया ना, तो इसलिए उनको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ, लगता है एयर बैग के दोस्तों के ऊपर आजकल पनौती चल रही है। सही बात है। कल उनके दोस्त के पिताजी का अवसान हो गया, आज एक दोस्त का खुद का एक्सीडेंट हो गया। बिड़ू यार, और कितनी देर लगेगी यार? ड्राइवर फोन पर बात करे कब से, खोल नहीं रहे नल, देखो सब लोग बेचारे बाल्टी लेके खड़े। बोलो, अरे भाई ए, क्या कर रहा है, जल्दी करना। क्या बोल रहे, मतलब सारे सारे देना ऐसा? हाँ तो ऐसा बोलो, सारा देना यार। अरे लेकिन क्या हुआ क्या? अरे चाचा जी, लोगों के सर पे घड़ा होता है, जेठालाल के पाँव में घड़ा है। हाँ, एक नंबर का घड़ा है, दसा है, देख के नहीं चल सकता। अरे बापू जी, वहाँ गोली ने धक्का मारा मुझे, तो मैं बैलेंस का और फिर इसमें फंस गया। क्या यार भिड़े, तुम क्या करते हो यार? क्या भिड़े भाई, धक्का नहीं मारना चाहिए ना बच्चों को? बच्चों को धक्का मारता है? अरे नहीं, मैंने धक्का नहीं मारा भाई, मैं तो हल्के से धक्का मारा था, ये अपनी वजन की वजह से वहाँ पे जाके गिरा। क्या भिड़े यार, ये तो तुम्हारे वजह से, ऐसे नहीं होता। अच्छा अबे, अरे 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 अरे, वहाँ छोड़ो ये बाबू, यहाँ निकल बेटा, अरे निकल जल्दी, चल बच्चों से, ये काम नहीं होगा। अरे टप्पू से ना तुम हटो यार, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, और जेठा बड़ा मैं निकालता हूँ। अप्रतिम, ये छोड़िए, आजा आजा छोड़िए, आजा छोड़ी, तो रहने दो छोड़ी। अरे भाई, आप मेरे दोस्त है या दुश्मन? आपने घड़ा निकलवाना चाहता कि मेरी टांग? अरे पर वो निकलेगा नहीं तो कैसे होगा जेठालाल, यार निकालना तो पड़ेगा। छोड़ी, आप जानते हैं छोड़ी बहुत मजबूत आदमी है, मेरी टांग निकल लेगा। अरे आराम से, रुको भाई रुको। सोडी, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कोई तरीका है? ना जेठा भाई,
पाँव इधर दीजिए, एक मिनट। डॉक्टर डॉक्टर साहब, आइए आइए, आराम से आराम से आराम से। हाँ पाँव अंदर में सीधा करो। हाँ सीधा सीधा, हाँ थोड़ा थोड़ा लेफ्ट की तरफ घुमाइए। हाँ एक मिनट, सीधा 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 सीधा, थोड़ा सीधा 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 सीधा, बार बार निकालने की कोशिश की। हाँ ये हाँ सीधा सीधा करके, सीधा 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 सीधा। डॉक्टर आदि, क्या पाँव निकाला है यार, और पहले बेकरी में काम करते थे। थोड़ी बेकरी की याद मत दिला, मुझे बहुत भूख लगी है। हंस, वैसे एक बात तो है जेठालाल, तुम सही कह रहे थे, अय्यर के सारे दोस्तों की पनौती तो चल रही है। चलो अच्छा है, गड़ा और घड़ा दोनों बच गए भाई। बेड़े भी शायर हो गया, शायर ने कॉमेडियन हो गया, झोंका झोंकी चल रही है। भाई पानी का कुछ कर, चलो 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 पानी की लाइन लगाओ। अभी भी मोबाइल पे लगा हुआ है भाई। ए, चल अभी आगे सब लाइन में। फोन भी लगा लगा अनु चाचा, यार मैं जाता हूं उधर जाकर। आ जा आ जा, चल खोल ले खोल ले। चाचा जी, ओ चाचा जी फटाफट इसको खोल देते हैं। हां छोड़ी तू खोल। ओए पापा जी, अरे अरे जोर से ओए चाचा जी, ये तो बहुत जाम हो रखा है। अरे ताकत लगा, खोल। खोलता हूं। अरे खुल नहीं रहा, खुल। ओ बाबा जी मेल करो। ठीक तो आप चाचा जी, एक मिनट जरा जगह दीजिए।
चाचा जी आप ठीक तो है ना? अरे पानी पिलाओ चाचा जी को, कोई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे क्या पानी पिलाओ, क्या पानी पिलाओ। हालत देखी ना बाबूजी की, कितना पानी उनका भरूना है। पानी पिलाओ, पानी का नाम मत लो। बाबूजी चलिए चलिए हम लोग घर पे चलते हैं, चलिए। हाँ जाइए। मैं ठीक हूँ, जाओ तुम लोग पानी भरने जाओ। अच्छा ठीक है। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, ओके एक जरा सुनिए। देखिए अभी बहुत सारा पानी का वेस्टेज हो गया है, मेरी सबसे विनती है कि सिर्फ दो दो बाल्टी पानी अपने घर पे लेके जाए। हाँ अरे दो बाल्टी में मैं कैसे नहाऊंगा, मेरी तरफ देखो यार। दो बाल्टी में क्या होगा भाई, हम लोग तो घर में चार लोग हैं, तो एक जन के लिए एक बाल्टी तो चाहिए कि नहीं। मैंने ना लिया। एक मिनट पूरी बात सुनो पहले। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले दो दो बाल्टी लेके जाओ, उसके बाद अगर पानी बचता है तो वापस दो दो बाल्टी लेके जा सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। सबको पानी मिलना चाहिए भाई। चालू तो करो भाई यार। चालू करो, आजा भाई, चलो अभी करें इसको फटाफट अच्छे ढंग से। आजू आ सर, अभी करता हूँ। देखो क्या पहला कपड़ा नहीं लगाया था ना आपने, ऐसे ही चलोगे ना इसके। ये देखो पानी भरने दो यार। अरे चलो चलो जल्दी करो। टप्पू बेटा जल्दी। मम्मी संभाल के। हाँ हाँ चिंता मत कर तू। अरे ये दया। हाँ? अरे तू कहाँ ऊपर चढ़ गई? अरे संभाल, गिर गई तो लग जाएगा। अरे टप्पू के पापा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत प्रैक्टिस है। आप जरा सब बोला, कहीं आपको ना लग जाए। मुझे बहुत धक्कम धुक्की हो रही है। ये एक नंबर की आइटम है। अरे संभाल के। चलो भाई चलो भाई, बहु संभाल के। दूसरे बाल्टी में लेके आता हूँ। नहीं नहीं आप लेके जाइए, लेके जाइए। अरे ये सब भीड़ की वजह से हुआ। पानी उठा उठा के घर जाओ। अरे पानी, भगवान वापस नीचे जाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अरे होशियारी में बोल तो दिया बबीता जी को, मैं पानी भर के लेके आता हूँ। अरे Oh, my God.
बबीता जी ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं रहते? चलो अभी थोड़ा सा ही आ गया। नहीं नहीं, ऐसे ढीला डप होके मैं खड़ा रहा और बबीता जी ने मुझे देख लिया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। नहीं, ऐसे टट्टार खड़ा रहता हूँ। बबीता जी आ क्यों नहीं रहे? अरे डोरबेल किधर बजाया तूने? बबीता जी, आपके लिए पानी लेके आया बाल्टी भर के। So sweet of you, जेठा जी, thank you so much. बबीता जी, friendship में no thank you, no sorry, हाँ? ये क्या आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? ये लीजिए। अरे पानी कहाँ गया? मुझे क्या पता? नहीं, मैं अभी इतनी मेहनत करके इतना दादर चढ़ के इसमें पानी भर के लेके आया, अचानक पानी गायब। माँ कसम बबीता जी, मैं इसमें पानी भर के लेके आया था, ये इतनी देर में इसके नीचे हॉल तो नहीं है? अचानक पानी कहाँ गायब हो गया? एक मिनट, मुझे जरा बकेट देखने दीजिए। ये लगता नहीं मेरी बकेट है। हाँ, क्योंकि मेरी बकेट में ऐसे कोई स्टिकर है ही नहीं। अरे तो क्या इतनी देर में यहाँ से? ए पानी अरे क्या? नहीं, जेठालाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं क्या किया? पीपीपीसी कहीं का? पीपीपीसी पत्रकार पोपटलाल पानी चोर। अरे नहीं भाई, नहीं जेठालाल ऐसा नहीं है भाई। मैं भी पूरी एक बाल्टी पानी भर के लेके आया था, पहला माला चढ़ा, ये दूसरा माला चढ़ा, वहां तक पहुंचा और ठोकर लगी और सारा पानी गिर गया। अरे तो क्या ठोकर मेरी वजह से लगी? जो मेरा लाया हुआ पानी तू चोरी करके लेके जा रहा है? अरे नहीं भाई जेठालाल ऐसा नहीं है भाई, मुझे अर्जेंटली प्रेस पहुंचना है, अभी मुझे फोन आया था, नहीं तो मैं कभी ऐसा करूंगा। अभी अभी खाली बाल्टी लेके मैं वापस नीचे जाऊंगा, पानी भरूंगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अरे भाई तो लेट तो हमको भी हो रहा है, हमको भी दुकान जाना था, बबीता जी को भी लेट हो रहा है, तो कैसे सब? जेठा जी आप लोग लड़े मत, अगर इनको अर्जेंट है तो इनको पानी दे दीजिए ना। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ये बाल्टी हम लोग बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। अरे बबीता जी ये क्या? इट्स ओके ना जेठा जी, मैं फिर से नीचे जाके पानी भर लूंगी। अरे बबीता जी, मेरा होता हुआ आप नीचे जाएंगे पानी लेने के लिए? हाँ, अच्छा लगता है। मैं नीचे जाके लेके आता हूँ पानी। चलिए मैं भी आपके साथ नीचे चलती हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप साथ में रहेंगे तो क्या है, टैंकर तक का सफर एकदम मस्ती से पास हो जाएगा। हा? आप भी ना जीता जी। मैं ऐसा ही हूँ बबीता जी। अब बकेट, अरे जो मेन चीज है वही भूल गया। बोलो, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली है ना कि आपके सामने जो भी आता है ऐसे चकाचौंध होकर रह जाता है। सच कह रहा हूँ बबीता जी, आपसे जितना मैं सीखूं उतना कम है। आपके जगह और कोई होता तो झगड़ा करता कि नहीं ये पानी मेरा है, मेरी बाल्टी मुझे दे दो। आपने बोला नहीं नहीं ले जाओ। रुक, बबीता जी आप पानी भरिए, तब तक मैं जरा घर पे छोड़ के आता हूँ, फिर वही रहना दीजिए, मैं आपको घर पे छोड़ दूंगा। छोड़ दे, आइए बाबू जी आइए। ले लो कुछ। अच्छा कोमल, मुझे भी नहाना है। सॉरी हंस, तुम कल नहाना। क्यों, थोड़ा तो पानी होगा ना? अरे थोड़े से पानी से तुम कैसे नहाओगे? लेकिन जब तुम्हें पता था कि पानी कम है तो तुमने बाल क्यों धोए? हंस मैंने 3 दिनों से अपने बाल धोए नहीं थे। कोमल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना। क्या अंडरस्टैंड कोमल, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अच्छा थोड़ा सा पानी बचा है उससे तुम स्पंज कर लेना। स्पंज मैं? हेलो, और
सॉरी सूरज दादा, वेरी वेरी सॉरी। ओके आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया, और आज थोड़ा पानी भी कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है। अभी आप तो जानते हैं पानी कम क्यों है, लेकिन प्लीज आज का दिन आप थोड़ा चला लो, कल मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अर्काय नमः। अरे माधवी चहा, शाबाश। माधवी काय चाय या बासुंदी, इतना दूध? तो बरोबर है, दूध की चाय बनाई है मैंने। क्यों क्यों मतलब पानी कहाँ है? काय बोलते तू, अभी इतना सारा पानी मंगाया ना हमने टैंकर भर के। हाँ तो नहाने का पानी मंगाया टैंकर भर के, अभी आप पीने वाले हो या मैं लेके जाऊँ? हाँ पीता हूँ पीता हूँ। तो पियो बासुंदी। बबीता एक गिलास पानी लाना प्लीज। ये लो। ये क्या, यह तो नारियल पानी है। क्या करूं यार, घर में एक बूंद पीने का पानी नहीं है, इसलिए मैंने नारियल पानी मंगा के रखा है। ठीक है लो, नारियल पानी तो नारियल पानी सही। सुन रोशन। ओए सुना रोशन, जरा खड़े तो हो जा बाबा। ओए खड़े पर क्यों? खड़े हो ना बाबा। ओ चंगा बाबा, ला खड़ा हो गया यार। चल अब अपना हाथ उठा। ओए रोशन की गल कर रही है तू, और मैं अपनी जान दे दूंगा पर तेरे पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा यार, क्या बात कर रही है तू? ओ खुदा है रोशन, तू भी कम नहीं है। हाँ हाथ उठा, मतलब ऐसे ऐसे हाथ उठा। ओ यार ये पनिशमेंट मुझे क्यों है? किया रोशन, वो क्या है ना रोशन, घर में जितना भी पानी था ना उसे तो मैंने ही नहा लिया, तो तेरे नहाने के लिए तो पानी बचा नहीं है, इसलिए ना मैंने ये डियो स्प्रे लगाया तुझे। इन्हें तो बहुमत पमराट है उसे। हाँ पमराट इतने सू इतने पमराट, इतने खुशबू खुशबू आएगी। और तो खुशबू के लिए ये डियो स्प्रे लगाने की क्या जरूरत थी? मतलब अब मतलब ये तो मेरे बच्चे पी पाएगी तो मैं तो वैसे ही पमराट हो जाऊंगा यार। खेलो खेलो। अंजलि अंजलि जी, अरे अंजलि अंजलि क्या हो रहा है भाई, किन ख्यालों में घूमो? पुराने सुहाने दिनों को याद कर रही हूँ। हाँ पुराने सुहाने दिन, वो भी क्या दिन थे, हाँ जब हम जवान थे, आई मीन जवान अभी भी है। क्या मोहब्बत थी दुनिया में, शांति थी, सुकून था, प्रेम था और पानी था। 24 घंटा पानी रहता था घर में, और आज देखो 3-4 बाल्टी पानी और वो भी टैंकर का, खाना भी नहीं बना सकते जिससे। आज अच्छा मौका है अंजलि के खाने से बचने का और चटपटा खाना खाने का। चलो अंजलि फिर एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ मस्त खाना खा के आते हैं। क्या कुछ भी बात करते हो तारक, रेस्टोरेंट में नहीं, आपको मसालेदार खाना खाना है ना, तो मैं आपको घर में ही बनाकर खिलाती हूँ। घर में कैसे खाना बनाओगी बिना पानी के? ठीक है भाई, ये तो काम बढ़िया हो गया, पानी की कमी ने और कुछ किया ना किया, मेहता साहब आपका फायदा तो हो गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू, मसालेदार खाना मिलेगा। तैयार मसालेदार खाना। वाह अंजलि वाह, कमाल कर दिया तुमने, मसालेदार खाना वेरी गुड। कई बार तुम वो करती हो जो तुमसे उम्मीद नहीं होती, मसालेदार खाना। ये तो वाटरमेलन है। हाँ अरे भाई ये खाना, उसके ऊपर मसाला, हो गया मसालेदार खाना।